महिला विश्व T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टूर्नामेंट के ग्रुप ए के आखिरी लीग मुकाबले पाकिस्तान को मिली इस हार के साथ भारतीय महिला टीम का भी सफर समाप्त हो गया है। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में 4 में से 2 मैच जीते, वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 110 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन का टारगेट दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 11 ओवर में 56 रन पर ऑल आउट हो गई। ईडन कार्सन प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, उन्हें 3 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट झटके। खराब शुरुआत के बाद पाकिस्तान की टीम मिडिल ओवर्स में बिखर गई। टीम ने बीच के 5 ओवर में आखिरी के 5 विकेट 28 रन बनाने में गंवा दिए। बार बार ओवर डाल रही एमिलिया केयर ने 1 ओवर में 3 विकेट लिए। 111 रन का टारगेट चेस कर रही पाकिस्तान टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने शुरुआती 6 ओवर्स में 28 रन बनाने में 5 विकेट गंवा दिए थे।